हे गाइस, दिस इज राज एंड यू आर वाचिंग पेटशाला। तो आज का व्लॉग ट्रैवल व्लॉग होने वाला है क्योंकि मैं आज गोवा निकल रहा हूँ। जैसे कि आप मेरे कपड़ों के ऊपर से समझ चुके होंगे कि मैं आज बीच पे जाने वाला हूँ। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो मैं मजाक कर रहा हूँ, कैसा लगा मेरा मजाक? जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल से देखा होगा कि आज कुछ अलग है, आज कुछ नया फैमिली मेंबर हमारे फैमिली में ऐड हो रहा है, टेरेंटुला। जी हाँ, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया है। लेकिन वो कौन सा है ये मैंने अब तक बताया नहीं है, तो वही हम जानने वाले हैं। कितना बड़ा है, क्या है, कैसा है, ये सारी चीजें मैं आज आपको दिखाऊंगा। ये अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाला है, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें। और बहुत कंजूस हो यार आप, इतनी मेहनत करते हैं हम, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब, 98% जो लोग हैं वो बिना सब्सक्राइब किए हमारे वीडियो देखते हैं। सब्सक्राइब करो यार, कुछ पैसे नहीं लगते हैं इसमें। और ऐसे ही यूनिक अलग अलग पेट्स आपको इस चैनल पे देखने मिलेंगे, उनकी केयर वीडियोस, उनके जो बीमारियां होती हैं उनको आप कैसे ठीक कर सकते हो, ये सारी चीज़ें इस वीडियोज़ में इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज, ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं था कि मतलब मैं ये मुझे खुद को भी नहीं पता था कि इतने जल्दी हम ये पेट लेने वाले हैं, ये टेरेंटुला लेने वाले हैं। क्योंकि मैं ऐसे ही सर्च करते करते मुझे दिखाई दिया और मैंने मंगवा लिया। तो आपने इसके पहले एक क्लिप देखा होगा कि हमारा पार्सल मैंने दिया है, वो तो आपने देख लिया। तो ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं था कि हम लेने वाले हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। लेकिन ले लिया, ये मेरे लिए भी सरप्राइज है और आपके लिए भी सरप्राइज है। और ये बहुत ही जल्द मेरे पास पहुंच चुका है, तो अभी उसकी कंडीशन देखेंगे, ज्यादा देर नहीं करेंगे। उसकी कंडीशन देखेंगे, हालत कैसी है, क्या है, और फिर मैं आपको उसके नजदीक से शॉट्स दिखाऊंगा। उसके बाद हम उसके सेटअप्स और वो सब अगले वीडियोज में आते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो बॉक्स की कंडीशन तो अच्छी है, इसमें हमारे टेरेंटुला को कुछ नहीं हुआ होगा। पैकिंग बहुत ही अच्छी है। एक इसमें भाई, शायद इसमें है। नहीं, इसमें भी नहीं है। ये रहा। अरे बाबा, वाओ, कैसी हालत है पता नहीं। बहुत ही अच्छा पैक किया है, ये मेरी फर्स्ट टाइम है तो मुझे पता नहीं कि कैसी होगी हमारे टेरेंटुला की हालत। दिख गया गाइस, पर लेकिन मैं आपको पहले दिखाऊंगा कि क्या चीज़ें हैं इसमें। दो चीज़ें हैं, ये देखिए, ये रहे छोटे मील वर्म्स जो कि सेलर की तरफ से है, छोटे मील वर्म्स उसके फीडिंग के लिए। मुझे आइडिया आ चुकी है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये रहा हमारा स्लिंग। वाओ, ब्यूटीफुल। पता नहीं, ये देखिए, कंडीशन अच्छी है,
अब मैं आपको इसके नज़दीक के शॉट्स दिखाऊंगा। मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ, अभी मैं फ़िलहाल टेरेस पे हूँ, आप देख सकते हो कि हवा है, तो मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर मैं इसको ऐड करूँ इसके अंदर तो हवा से वो निकल जाए, भाग जाए, क्योंकि टेरेस पे बहुत सारा कचरा है, पत्तियाँ गिरी हुई है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं उसको लूज़ करूँ। तो मैं किसी बेड के अंदर लेके जाऊँगा और उसको इसके अंदर ऐड करूँगा। अच्छा, हमको सिखा रहा है। तो ये इसका टेम्परेरी एनक्लोजर है, एनक्लोजर सेटअप हम करेंगे, एनक्लोजर सेटअप हम करने वाले हैं, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब इसके अंदर मैं क्या क्या करके इसको ऐड करता हूँ वो देखेंगे। ओह यार, यार ये कितनी ऑसम है यार। ये देखिए गाइस, ये मेरी डार्लिंग टीरेक्स, ये मेरा ग्रीन इगुआना, इसका नाम है टीरेक्स। अगर आपको पता नहीं होगा तो, आप ये पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, तो ये मेरा टीरेक्स, ये कुछ खाना खा के अभी आराम फरमा रहा है। भाग जाएगा अंदर, अभी गया। गया खाने, मैं आने के बाद उसको खाना ही ध्यान में आता है। तो खैर, तो गाइस मैंने ये छोटा कंटेनर लिया है, उसके अंदर ये कोकोपीट है जो कि बस थोड़ा सा गीला है, मैंने पूरी तरह से निचोड़ लिया है, उसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं है, बहुत ही कम पानी है, ये थोड़ा सा मॉइस्ट है। अगर मैं इसको निचोड़ूंगा अभी तो भी इसके अंदर से पानी नहीं निकलने वाला है। तो ये है इसका टेम्परेरी सेटअप, इसके बाद हम अगले वीडियो में इसका प्रॉपर सेटअप बनाएंगे। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये रहा हमारा क्यूटी पाई, जिससे कि बहुत लोग डरते हैं, दुनिया डरती है, तो इसको मैं फर्स्ट टाइम हाथ में लूंगा अभी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। क्या करेगा पता नहीं, भागना नहीं भाई। आ जाओ। 2000 years later. Yes. First time, guys, first time मैं feel कर रहा हूँ किसी tarantula को, और वो भी मेरे खुद का है, हमारे पेटशाला family member का ये member है। Oh my God! Wow! मैंने इसको इतना छोटा क्यों लिया? क्योंकि experience नहीं होता है हमें, और सीखने मिलता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी कि कैसे उसको पालना है, कैसे फीडिंग करना है, उसको मेरी आदत हो जाएगी, मुझे उसकी आदत हो जाएगी, तो ये सब चीज़ें होती रहती है। जैसे कि आपने टीरेक्स में देखा, मेरे इगुआना में देखा, मैंने उसको छोटा ही लाया था, मैं चाहता तो इसको बड़ा भी लेता, लेकिन उसमें कोई मज़ा नहीं है। जो छोटा लेने से लेके बड़ा करने में मज़ा आता है वो किसी में नहीं, और बहुत सारा एक्सपीरियंस भी मिलता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती हैं। बात तो सही है। तो ये है चाको गोल्डन नीस, ये रहा वो पिक्चर, ऐसे कुछ दिखने वाला है, लेकिन ये अभी छोटा है, स्लिंग है। इस छोटे से इतने छोटे स्पाइडर को, टेरेंटुला को स्लिंग कहते हैं। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम होल्ड किया है, बहुत ही अलग फीलिंग है गाइस। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि क्या ये स्पाइडर पकड़ के रखा है, लेकिन अगर आप एनिमल लवर होंगे तो आपको पता होगा कि कैसे फील होता है, क्या फीलिंग रहती है। तो ज़्यादा देर में इसको अभी होल्ड नहीं करूँगा, क्योंकि ये ट्रैवल करके आए हैं तो थकेगा, तो उसको मैं इसके एनक्लोजर में ऐड कर देता हूँ। अब ये भागना नहीं चाहिए। अब मुझे नहीं पता गाइस मैं इसको कैसे इसके अंदर रखने वाला हूँ। ये गया, वो मत निकलो बाहर। मैं आपको इसके नजदीक से कुछ शॉट दिखाता हूँ।
ये देखिए गाइस, उसके ऊपर के जो हेयर्स होते हैं वो भी दिख रहे हैं। एक छोटा सा पत्थर मैं ऐड कर दूंगा ताकि अगर वो उसके ऊपर जाके बैठ सके, बैठना चाहे तो बैठ सके। ये देखिए बाहर निकलने की कोशिश। हेलो बेबी, इसका कलर धीरे धीरे चेंज होगा। देखते हैं कितने दिनों बाद ये बड़ा होता है। तो इसमें मुझे ये जो लिड है इसमें होल्स करने हैं, बहुत सारे होल्स करने पड़ेंगे ताकि इसको हवा मिले। तो मैं ये सारी चीज़ें करके रखूँगा। बाहर मत आओ, बाहर मत आओ। ये वापस बाहर आया गाइस। ये स्लो होते हैं। क्या बोला तूने? आगे बहुत बहुत मस्त वीडियोस आने वाले हैं, फन वीडियोस आएंगे फीडिंग के ऊपर। इसको लाइव फीड कैसे करेंगे, ये कैसे फीड करता है, उसके ऊपर वीडियोस लाएंगे। अभी तो ये शुरुआत है। ये गया हमारा मॉन्स्टर इसके अंदर। मैं इसके लिड के ऊपर थोड़े होल्स लगा दूंगा ताकि वो ब्रीथ कर सके। तो आई होप आपको हमारा नया पेट पसंद आया होगा। अगर आप उसके केयर वीडियोस और सब कुछ सारी अपडेट्स जानना चाहते हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही।